लिखें, रेडी। दुनिया के कई देशों के लिए डेंगू का प्रकोप चिंता का बड़ा कारण बन रहा है। हाल ही में सामने आई विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के मुताबिक डेंगू पूरी दुनिया में कहर बनकर टूट रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अभी तक डेंगू के 2 गुने मामले सामने आ चुके हैं। 2023 में डेंगू के 65 लाख मामले सामने आए थे, जबकि इस वर्ष अब तक 1.27 करोड़ मामले आ चुके हैं। भारत सहित कई देशों में अब भी डेंगू का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। डेंगू से इसी वर्ष अभी तक विश्व भर में 8700 अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। WHO का मानना है कि दुनिया भर में करीब 4 अरब लोगों पर डेंगू का खतरा है, यानी दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी इसकी चपेट में आ सकती है। और डेंगू तथा संबंधित विषाणु का खतरा 2050 तक 5 अरब तक बढ़ जाएगा। अफ्रीका, अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया सहित 100 से ज्यादा देश डेंगू से गंभीर रूप से प्रभावित हैं। डेंगू अब यूरोप, पूर्वी भूमध्य सागरीय तथा अमेरिका के नए क्षेत्रों में भी पांव पसारने लगा है। एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में उष्णकटिबंधीय और जलवायु में डेंगू ज्यादा फैलता है। शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में यह बुखार ज्यादा लोगों को संक्रमित करता है। ब्राजील में तो इस साल डेंगू का प्रकोप देखा गया है, जहां इस साल अब तक 95 लाख से भी ज्यादा मामले सामने आए हैं। भारत में भी डेंगू के कारण प्रतिवर्ष सैकड़ों लोगों की मौत हो जाती है। दरअसल डेंगू अन्य घातक बीमारियों की तरह ऐसी गंभीर बीमारी बन चुका है, जिसके जोखिम को नज़रअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। पिछले साल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट में बताया गया था कि देश में डेंगू के हर दिन औसतन 600 से अधिक मामले सामने आए थे और सभी राज्यों में कुल मामलों की संख्या करीब 2.5 लाख थी। लेकिन डेंगू के मामले सभी राज्यों में इस साल रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। देश भर में प्रतिदिन डेंगू के 1000 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। भारत में 1996 में डेंगू के पहले बड़े प्रकोप के बाद से इसका प्रसार 1300% से ज़्यादा बढ़ा है। यह उन घातक बीमारियों में से एक है, जिसका अगर समय पर उपचार ना हो तो जानलेवा हो सकता है। मानसून के साथ डेंगू और चिकनगुनिया फैलाने वाले मच्छरों के पनपने का मौसम शुरू होता है, इसीलिए डेंगू के बढ़ते खतरों को देखते हुए लोगों में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से ही व्यापक जागरूकता अभियान चलाना
बेहद जरूरी है। डेंगू फैलाने वाले मच्छर ज्यादा तापमान में जीवित रह सकते हैं और थोड़ी मात्रा में जमा पानी में भी प्रजनन कर सकते हैं। स्टॉप